राधे राधे फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आप सभी के साथ कितनी क्रिस्पी रेसिपी शेयर कर रही हूँ, ये तो आप सभी देख ही रहे हैं। इसकी आवाज़ सुन सकते हैं आप सभी, एकदम क्रंची रहेगी, एकदम कुरकुरी और काफ़ी लंबे टाइम तक ये बिल्कुल इसी तरीके से क्रिस्पी और कुरकुरी बनी रहती है। और क्या आपको पता है कि आज हम अपनी रेसिपी के लिए ना ही सूजी का इस्तेमाल करने वाले और ना ही मैदे का, यानी बिना सूजी और बिना मैदे का भी एकदम क्रिस्पी और कुरकुरा नाश्ता कैसे बनेगा, चलिए तो आज की वीडियो को देख लेते हैं। वीडियो पर नया है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर है तो चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए आज की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, कढ़ाई में 2 चम्मच तेल डालना है और साथ में इसमें 1 चम्मच जीरा डाल देना है। जीरे को थोड़ी देर हल्का सा भुनना दीजिएगा। उसके बाद से 2 से 3 लहसुन के लिए को छोटे छोटे पीसेस में काट करके ऐड कर लीजिएगा। साथ में ही 1 प्याज बारीक कट करके ऐड कर लीजिएगा। थोड़े से फ्रेश खड़ी पत्ती हो तो उन्हें भी बारीक कट करके ऐड कर लीजिएगा। इन सभी चीज़ों को हमें चलाते हुए हल्का सा प्याज को सॉफ्ट होने तक भुनना है। बहुत ज़्यादा हमें प्याज को गोल्डन ब्राउन नहीं कर देना, बस हल्का सा हमें सॉफ्ट करना है। जैसे ही प्याज सॉफ्ट होगा 1 टमाटर बारीक कटा हुआ हम इसमें ऐड कर लेंगे और चलाते हुए इसे अच्छी तरह से भून लेंगे तक, यानी कि हम इसमें नमक भी ऐड कर दें जिससे कि जो टमाटर का कुकिंग प्रोसेस है जल्दी हो जाएगा और साथ में जल्दी ही टमाटर हमारे सॉफ्ट हो जाएंगे। तो बस चलाते हुए हल्का से इन्हें टमाटर को सॉफ्ट होने तक भून लेना है। इसके बाद से यहाँ पर मैंने 5 से 6 उबले हुए आलू ऐड किए हुए हैं और साथ में ही मैंने यहाँ पर 1/2 चम्मच गरम मसाला और 1/2 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऐड किया हुआ। आप अपने हिसाब से मसालों को कम या ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। इसके बाद से इन उबले हुए आलू में अच्छे से मिलाते हुए मसालों और मिर्च को हमें मिक्स कर लेना है। जैसे ही सभी चीज़ें आपस में अच्छे से मिक्स हो जाएंगी, मैशर की हेल्प से मैंने यहाँ पर अच्छे से आलू को मैश कर लिया हुआ। आप चाहें तो आलू को पहले से ही कद्दूकस करके या फिर हाथों से अच्छे से मैश करके भी इसमें डाल सकते हैं। अच्छे से चलाते हुए अच्छे से यहाँ मैश कर लेना है सभी चीज़ों को। जैसे ही मिक्स हो जाएंगी तो हमारी आलू की स्टफिंग बनकर के तैयार होगी। निकाल करके इन्हें ठंडा होने के लिए रख दीजिए। अब यहाँ पर मैंने इस्तेमाल किया हुआ इस रेसिपी की जान गुथे हुए आटे का। तो यहाँ पर नॉर्मली मेरे पास थोड़ा सा आटा गुथा हुआ बचा हुआ था, मैंने उसी को इस रेसिपी के लिए इस्तेमाल किया हुआ है। आप चाहें तो आटे को गूंथ करके भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तुरंत ताज़ा आटा भी गूंथ करके बना सकते हैं। तो मैं इस गूंथे हुए आटे में 1 चम्मच डाला हुआ नॉर्मल कोई भी खाने वाला तेल, तो मैंने सरसों का तेल इस्तेमाल किया हुआ। साथ में मैंने यहाँ पर 1 चम्मच सफ़ेद वाली तिल, 1/3 टीस्पून यहाँ पर मूंग दाल डाली हुई है और साथ में ही यहाँ पर 1/3 टीस्पून अजवाइन मैंने हाथों से क्रश करके डाला जिससे कि इसका फ्लेवर इसमें अच्छा सा आ जाए। साथ में स्वाद के अनुसार नमक ऐड कर लेंगे तो लगभग 2 चुटकी के आसपास यहाँ पर मैंने नमक ऐड किया हुआ है। अब इन सभी चीज़ों को अच्छे से आटे में हमें मिक्स करके बिल्कुल पैक कर देना है। जब यहाँ पर हम पैक कर लेंगे तो जैसे आटा गूंथते हैं ना, उसी तरह से यहाँ पर अच्छे से इसे मलते हुए अच्छे से मसल लेना है। अगर आपके पास गुथा हुआ आटा नहीं है तो आप जब आटा गूंथ रहे हैं तो ये सारी चीज़ें वहाँ पर ऐड कर लीजिए और फिर आटे को गूंथ लीजिए। थोड़ा सा बीच में ज़रूरत पड़े तो सूखे आटे का भी हम इस्तेमाल कर लेंगे, ठीक है ना। अच्छे से सभी चीज़ों को मिक्स करने के बाद इन्हें हम 2 भागों में बांट लेंगे और इसकी बड़ी सी एक लोई बना करके तैयार कर लेंगे। आटा लगा लेंगे लोई पर और बेल करके इसकी हम बड़ी सी रोटी बनाएंगे। यहाँ ध्यान दीजिएगा कि जैसे नॉर्मली हम रोटी खाते हैं ना, उसी साइज़ का हमारा मोटाई रखना है, हमें इसे बहुत ज़्यादा पतला या बहुत ज़्यादा मोटा नहीं करना है। बस यहाँ पर ध्यान दीजिए कि हमारी रोटी का साइज़ जो है बिल्कुल बड़ा होना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने बड़े साइज़ की लोई ली है, लगभग 2 से 3 लोइयों के बराबर जैसे रोटी बनाते हैं नॉर्मल साइज़ की, उससे लगभग 2 से 3 लोइयों के बराबर इसका हमने लोई लिया हुआ है और एकदम बड़ा साइज़ का रोटी बना करके इस तरह से तैयार किया हुआ है। यहाँ पर ध्यान दीजिए थोड़ी सी रोटी हमारी लंबाई में हो, बिल्कुल गोल नहीं होनी चाहिए। अच्छे से हम यहाँ पर आलू का मसाला चारों तरफ फैलाते हुए रोटी पर लगा देंगे। जो हमने आलू का मसाला तैयार किया वही आलू का मसाला मैंने यहाँ पर लगा दिया हुआ चारों तरफ, बिल्कुल कहीं जगह नहीं छोड़ना, अच्छे से लगा देना है। फिर इस तरह से हल्के हल्के हाथों से किनारों से उठाते हुए हमें इस पर लेयर बाय लेयर इस तरह से थोड़ी सी ज़्यादा लंबाई में हमें इस तरह से पलटते जाना है जिससे कि अच्छी तरह से आपस में चिपकती जाएँ। और इस तरह से आप सभी देख सकते हैं कि फिर जब लास्ट वाला बचा होगा तो उसे भी इस तरह से ऊपर की तरफ रख देंगे और हल्का सा तपा देंगे। इस तरह से हमें बिल्कुल भी यहाँ पर कोई भी स्लरी या घोल की जरूरत नहीं पड़ेगी, आलू के मसाले से ये सभी आपस में अच्छी तरह से चिपक जाएंगे। उसके बाद इसे 1-1 इंच की दूरी पर हम कट लगा लेंगे। बहुत ज़्यादा दूरी नहीं रखेंगे क्योंकि पकाते वक्त नाश्ते को ज़्यादा टाइम लगेगा, इसलिए हमने यहाँ पर मात्र 1-1 इंच की दूरी रखी हुई है। अभी आप कटिंग के बाद नाश्ते को देख सकते हो कि कितना ज़्यादा ये सुंदर लग रहा है। अब बस इसी तरीके से हमारा नाश्ता जो है सभी को हम काट करके और बना करके तैयार कर लेंगे। इसके बाद से इस नाश्ते को बहुत ज़्यादा क्रिस्पी और कुरकुरा बनाने के लिए हम एक घोल तैयार करेंगे जिसमें 2 चम्मच हम गेहूं का आटा ऐड करेंगे, 3 से 4 कटी हुई कड़ी पत्ते ऐड करेंगे और फिर इसमें नॉर्मल पानी ऐड कर लेंगे। जो भी गुनगुना या गर्म पानी का इस्तेमाल नहीं करेंगे, बस यहाँ पर नॉर्मल रूम टेम्परेचर का पानी थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे और एक मीडियम घोल बना करके तैयार कर लेंगे। बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं और बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं। इस तरह का जैसे ही घोल बनकर तैयार हो जाएगा हम अपने नाश्ते को उठाएंगे जो हमने गेहूं के आटे से बनाया हुआ है और इस गेहूं के आटे में बने हुए घोल में हम ऐड कर लेंगे।
अच्छे से यहाँ पर एक बार होल में अच्छे से लपेट देने के बाद हम इसे गर्मा गर्म तेल में डाल करके फ्राई करेंगे। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा कि तेल बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा ठंडा भी नहीं होना चाहिए। मीडियम फ्लेम पर तेल को अच्छे से गर्म करने के बाद हम एक एक नाश्ते को थोड़ी थोड़ी दूरी पर डाल देंगे। थोड़ी थोड़ी दूरी पर इसलिए करें क्योंकि जो नाश्ते हैं घोल की वजह से आपस में चिपक जाएंगे, तो इसलिए इन्हें थोड़ी थोड़ी दूरी पर रहने दीजिएगा। इसके बाद से थोड़ी देर इन्हें एक तरफ से गोल्डन कलर आने तक पकने दीजिएगा और उसके बाद से इन्हें उलट पुलट करते हुए दोनों तरफ से हमें सेकना है। इसी के साथ फ्रेंड्स मैं आप सभी को बता दूं कि यहाँ पर एक चीज़ जो ध्यान देने वाली बात है ये कि अगर आप चाहें तो इस रेसिपी को बिना घोल में डिप किए भी बना सकते हैं। बस ध्यान इस बात का दीजिएगा कि अगर आप घोल का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं और इसे डायरेक्ट फ्राई कर रहे हैं तो उस वक्त आपका तेल बहुत ही अच्छे से गर्म होना चाहिए। अगर गर्म नहीं रहेगा तो आलू का जो मसाला है वो नाश्तों में से निकलने लगेगा। अगर घोल का इस्तेमाल करके करेंगे तो बिल्कुल भी मसाले आलू का मसाला जो है वो नाश्ते में से नहीं निकलेगा। जैसे खूबसूरत से कलर आ जाएंगे सभी नाश्तों को निकाल लेंगे और फिर इन्हें गर्मा गर्म टमाटो सॉस या अपनी फेवरेट चटनी के साथ सर्व कीजिए। और कितने ज़्यादा क्रिस्पी और कुरकुरे हैं इनकी आवाज़ तो आप सभी सुन ही रहे हैं। तो एक बार से इस तरह से गेहूं के आटे से या बची हुई आटे से इस तरह का नाश्ता बना करके ट्राई कीजिएगा। बिल्कुल क्रिस्पी कुरकुरा सा नाश्ता हमारा आज का बनकर के तैयार हो गया है। कैसी लगी आज की आपको मेरी ये रेसिपी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और मिलते हैं नई रेसिपी के साथ। तो बाय बाय एंड टेक केयर।